देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। इस शिलान्यास समारोह की अध्यक्षा और कुंदर पंचायत की माननीय मुखिया श्रीमती प्रभा देवी जी, मंच पर उपस्थित सूरजगढ़ा के माननीय विधायक श्री प्रहलाद यादव जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री अजय सिंह जी, झाझा के विधायक और पूर्व मंत्री साथी दामोदर राउत जी, लखीसराय जिला जनता दल यू के अध्यक्ष रामानंद मंडल जी, चांदन के जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष, हमारे साथ आए हुए चांदन के जनता दल यू के अध्यक्ष देवकी नंदन मंडल जी, आरजेडी के अध्यक्ष कामेश्वर यादव जी, हमारे साथ आए हुए लखीसराय के अनुमंडल पदाधिकारी संजय जी, एएसपी श्री रोशन कुमार जी, यहां उपस्थित रामदेव मंडल जी, चंद्रशेखर मंडल जी, विनंती मंडल जी, शशिभूषण राय जी, लखीसराय जिला परिषद के अध्यक्ष टंटन जी, यहां उपस्थित सभी अन्य सभी सम्मानित नेतागण, आप इस सभा में उपस्थित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मुझे आज बहुत खुशी है कि गोपालपुर में जो पुल की मांग आप लोगों ने हमसे की थी उसका आज शिलान्यास हो गया है। हालांकि जब पुल स्वीकृत हुआ था तो रामदेव जी और कई साथी मेरे पास कई बार आए और इन्होंने हमसे कहा कि चल के पुल तो स्वीकृत हो ही गया है, अब चल के इसका शिलान्यास कर। हमने इनको कहा था कि देखिए, हम शिलान्यास तब तक नहीं करेंगे जब तक उस पुल का टेंडर नहीं हो, और हम चाहते हैं कि जिस दिन हम शिलान्यास करें उसी दिन से उस पुल का काम शुरू। आज इस शिलान्यास के अवसर पर जब हम आए तो हमने भी जो ग्रामीण काल विभाग के कार्यपालक अभियंता है उनसे मैंने जानकारी दी, इसका टेंडर हो गया है और इसके जो संवेदक है उन्होंने माल भी यहाँ गिरा दिया है। अब आज शिलान्यास हो गया और कल से जोर शोर से काम शुरू हो जाएगा। इससे आज इस अवसर पर आप सबों को बधाई देते हैं कि आप लोगों की जो लोकप्रिय मांग थी इस इलाके की वो आज पूरा हुआ। देखिए, चांदन एक पिछड़ा इलाका है और हम जब मुंगेर के सांसद बने 2009 में तो उसके बाद चांदन के कई लोग इस इलाके के जो भी आते वो कुंदर बराज की चर्चा करते थे, बियर उसमें बियर था, कुंदर बियर की चर्चा करते थे। तो एक बार हमने सोचा कि भाई कुंदर के बारे में लोग कहते हैं तो चल के जरा कुंदर को देखा जाए। हम सांसद के रूप में पूरा कुंदर बियर तक गए और हमने जाके वहां देखा और देखने के बाद हमको लगा, और जब हम जा रहे थे कुंदर बियर तो रास्ते में कई गांव मंदू बगीचा लाखोचा कई गांव के लोगों ने रोक रोक के हमसे ये कहा कि जब श्री बाबू थे बिहार के मुख्यमंत्री तो उस समय हम लोगों की थाली में चावल और रोटी दोनों हुआ करता था। आज हमारे यहाँ नहर तो कागज पर है लेकिन न हमारी थाली में चावल है न रोटी।
होती है, इसलिए कि हमको एक छटा पानी भी नहीं मिलता। तो हम आए, आके हमने देखा और गनीमत है, आप लोग का होना भी था, आप लोगों के हक में हमको लगता है। 2014 का चुनाव हम हार गए, तो जब 2014 के चुनाव हम हार गए तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको सिंचाई का मंत्री बना दिया। तो कहा कि आप सिंचाई विभाग का काम देखिए। तो जब हम सिंचाई विभाग का काम देखना शुरू किए तो मेरे दिमाग में तो था कि कुंदर बियर का काम करना है, चादन का काम करना है, लोगों के चादन के इलाके में लोगों के थाली में न चावल है न रोटी है। तो सारे अधिकारियों को सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव उसमें हुआ करते थे, प्रधान सचिव से लेकर सभी विभाग के अधिकारियों को लेके यहां आए और तब ये निर्णय हुआ कि चादन बियर को तोड़ के नया उस पर बराज बनाने का काम किया। और उसके बाद चानक कंदर बराज से जो नहर निकलेगी उस सभी नहर की खुदाई पूरे गहराई तक करा दिया जाए और उसका पक्कीकरण कराए, ये हम लोगों ने निर्णय लिया। और आज मुझको खुशी है कि कुंदर का बराज बन के तैयार है, कुंदर बराज के सभी नहर बन के तैयार है, उसका पक्कीकरण का काम हो गया है। अब उसमें कभी गाद नहीं भरेगा, आपका नहर कभी भरेगा नहीं। ये उसके बाद जब हम कुंदर आए पूरे इलाके में घूमने के लिए तो जगह जगह गए, कई गांव गए, और जब कई गांव गए तो लोगों ने गांव में मांग किया, कहा कि नहर तो इतना गड्ढा बनवा दे लो, आप उस नहर में पार कैसे करोगे। तो जगह जगह हमने पुल बनवाया नहर पर। उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई नहर बनवा दिए, पानी रहवे करेगा, तो छठ में पूजा करने के लिए घाट भी बनवा दी थी। तो जगह जगह हमने कुंदर नहर का जो नहर है उसमें सीढ़ी का घाट भी बनवा दिया ताकि लोग छठ के पूजा में अर्घ देने का काम कर सके। तो ये सारा काम आपका हो गया। सड़क का भी काम है, अभी हमने कार्यपालक अभियंता एक्सिक्यूटिव इंजीनियर मेरे साथ, हमने अभी उनसे कहा कि आप एक बार पूरे कुंदर ये चानन के इलाके का सर्वे करा लीजिए और सर्वे करा के एक साथ जितनी सड़क खराब है उन सड़कों का डीपीआर तैयार करवा दीजिए ताकि एक साथ सब 500 व्यक्ति मिला। तो ये काम है और लोगों को क्या चाहिए, भाई आपके आने जाने की सुविधा हो आपकी। हाँ, कुंदर जब बराज हम बनवा दिएगा तो बुलाइएगा। जब हम कुंदर बराज बनवाए तो बराज के ऊपर का जो सड़क था वो बहुत पतला था। लोग मेरे पास आए, कहे कि वो बड़ी पतला है, गाड़ी कैसे पार हो। हमका भाई इसको चौड़ा कर दो। तो अब वो चौड़ा हो गया सड़क और कुंदर बराज के ऊपर से आप गाड़ी भी लेके जा सकते, चार चक्का गाड़ी का मतलब ट्रक नहीं है, चार चक्का गाड़ी उस पर जा सकते। तो ये सब काम है और ये काम हम लोग क्यों कर पा रहे, ये काम हम लोग कैसे करते। कोई हम लोग के पास जादू का और अलाउद्दीन का चिराग तो है नहीं कि आप मांग करते हैं, हम ऐसे ऐसे हिलाते हैं और अलाउद्दीन प्रकट होते हैं और काम हो जाता है। नहीं, यह काम इसलिए होता है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का संकल्प ही है बिहार को का विकास करना और विकसित बिहार बनाने का उनका लक्ष्य। तो इसमें कोई भी विकास की योजना अगर उनके सामने जाती है वो इनकार नहीं करते, उसको सार स्वीकार करते हैं। पैसे की कमी भी होती है तब भी वो कहते हैं कि पैसा इंतजाम करना मेरा काम है, हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसका स्वीकृति दीजिए, योजना का पैसा का इंतजाम हम करें। तो इसलिए ये काम संभव है। और 2005 से लगातार बिहार का विकास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, काम कर रहे हैं और काम के बल पर बिहार की जनता से के आशीर्वाद से
17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, और ये कुछ दिल्ली में जो बैठे हुए लोग क्या करते हैं भाई, खाली बात बनाने को, खाली बात बनाने को। देखिए कई योजना है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया। सबसे पहले चलिए 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया, अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया, महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति को 15% का आरक्षण दिया, अनुसूचित जनजाति को 1% का आरक्षण उन्होंने दिया, और आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग और महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में समाज की मुख्य धारा में। आज श्रीमती प्रभा देवी जी जो कुंदर के मुखिया हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया, पुलिस सेवा में दिया। आज बिहार पुलिस में जितनी महिलाएं हैं पूरे देश में किसी राज्य में उतनी महिलाएं बिहार पुलिस सेवा में नहीं। तो ये क्या नीतीश कुमार जी ने किया, समाज के हर वर्ग को, समाज के हर तबके को उन्होंने सशक्त करने का काम किया, समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया। 2015 में नीतीश कुमार ने 2005-06 में नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं, और बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं तो बच्चियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने साइकिल योजना चला, उन्होंने पोशाक का योजना चला। पूरे देश में कहीं नहीं था, पूरे देश में साइकिल योजना और पोशाक योजना नहीं थी। नीतीश कुमार जी ने जब शुरू किया तो दूसरे कई राज्यों ने आकर उसका अनुसरण किया, उसको देखा और देख के अपने अपने राज्य में उसको लागू किया। ये नीतीश कुमार जी का सोच। 2015 में नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई बिजली का कनेक्शन लेने के लिए लोग दर दर का ठोकर खाते हैं, यही कहा जाते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहा जाते हैं, यही कहा जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। सरकार के खर्चे पर बिहार के हर घर में बिजली पहुंचा देने का काम करिए। 2015 में मुख्यमंत्री जी ने इसको शुरू किया और 28 अक्टूबर 2018 को ये योजना पूर्ण हो गया, बिहार के हर घर में बिजली पहुंचा दी गई। भारत सरकार ने 2017 में ये देखा और ये देखने के बाद कहा कि भाई ये तो बड़ा बढ़िया योजना है नीतीश जी बिहार में चला रहे। तो 2017 में भारत सरकार ने भी उस योजना को एडॉप्ट किया, उस योजना को स्वीकार किया और पूरे देश में उसको लागू किया। तो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच। जो आज वो सोचते हैं इस देश की सरकार 3 साल के बाद उसको सोच। नीतीश कुमार जी ने कहा हर घर नल का जल पहुंचाने का काम करिए, लोग गंदा पानी पीते हैं। 2015 में उन्होंने शुरू किया और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार दिल्ली में बनी उसका पहला बजट भाषण जो था उसमें वित्त मंत्री जी ने कहा हम इस योजना को पूरे देश में लागू करें, हर घर जल। नीतीश कुमार जी ने कहा उसको हर घर नल का जल, उसको भारत सरकार में हर घर जल। जब 2019 में उन्होंने शुरू किया तो 2021 में और 22 में भारत सरकार ने कहा कि कुछ पैसा हमसे भी ले लीजिए, ये सुनिए हम भी कुछ मदद करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि आपके एक अधेला का जरूरत हमको नहीं है, हमने अपने बल बुद्धि पर बिहार के हर गांव में हर घर नल जल पहुंचाने का 90% काम कर दिया है, कुछ पैसा आप दीजिएगा और कल कहिएगा कि पूरा मेरा ही है, इसलिए हम 1 रुपया आपसे नहीं दे। अपने बलबूते पर, बिहार के बलबूते पर उन्होंने इस काम को पूरा कर दिया। तो ये विकास का उत्तर लक्ष्य
वो काम करते हैं और दूसरे लोग क्या करते हैं, दिल्ली वाले लोग प्रचार करते हैं। काम कितनी करते हैं भाई, आप लोग भी हैं चैनल के लोग, जरा भारत सरकार का एक भी योजना बता दीजिए कि चैनल में चाहे सूरजगढ़ा में चाहे लखीसराय में कोई योजना आया हो, कोई योजना नहीं। काले प्रचार करते, 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, हम चुनाव हार गए थे, क्या बात करते ताकि जब हम मुख्य प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार दे। हमको याद है 2014 जब हम चुनाव लड़ रहे, गांव गांव के बच्चे, हर समाज के लोग, जो पढ़ता था बेंगलोर में, जो पढ़ता था महाराष्ट्र में, जो पढ़ता था नागपुर में, जो पढ़ता था दिल्ली में, वो सब अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़ के अपने गांव आ गया और अपने गांव आके अपने अभिभावकों से कहता था कि अबरी भर वोट दे दो मोदी जी के, अबरी भर वोट दे दो हमने की नौकरी में। 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, 16 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। का वादा किया हर घर में 10 से 15 लाख रुपया हर आदमी के खाता में पहुंच जाएगा, 15,000 रुपया भी नहीं पहुंचा। भाई आप लोग बैठे हैं यहाँ, गोपालपुर के लोग, अगल बगल के लोग हैं, चादर प्रखंड के लोग हैं, एक आध आदमी के घर में अगर खाता में 10 से 15 लाख रुपया आया हुआ तो बताइए हाथ उठा के, हेलो हाँ, अरे हेलो, एक को पैसा नौकरी मिल लो ककड़ो ठगल ठगल ठगबे देखने को। तो एक तरफ नीतीश कुमार जी काम करते हैं और दूसरी तरफ लोग प्रचार करते हैं और देश की जनता को धोखा दिलाते हैं, देश की जनता की भावना को भड़का के ठग ठगने का काम करते हैं। हम तो पूछे अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती थी पटना में 24 तारीख, हमने पूछा कि भाई आप बोलते थे 2014 में कि चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो आप ये भी बताना चाहिए कि कौन स्टेशन गुजरात का कौन स्टेशन था, जहां आपका टी का कौन स्टॉल था, कौन सा चाय का दुकान था जहां आप चाय बेचते थे, नहीं कहीं नहीं। सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए और जनता में भ्रम फैलाने के लिए और जनता की भावना को भड़का के वोट लेने का काम करते हैं। और नीतीश कुमार जी कभी जनता की भावना को नहीं भड़काते, नीतीश कुमार जी कभी जनता के बीच उनके महत्वाकांक्षा को नहीं जगाते। नीतीश कुमार जी वही काम वही करते हैं जो वो कर सकते हैं और जो कहते हैं उसको सर जमीन पर उतार के करके दिखा देते हैं, यही है नीतीश कुमार। ये काम नीतीश कुमार जी ने किया बिहार में, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं आज, आजकल टीवी देखा ना, टीवी देखते हैं आप लोग ना, टीवी देखते हैं ना, तो टीवी देखते होंगे तो देखते होंगे आप, देख भर आजकल उन्हीं का प्रचार चलता है, काले प्रचार, कोई आलोचना नहीं, एक शब्द की भी आलोचना नहीं होती है, सिर्फ प्रचार होने का काम होता है। कोई अगर गलती से किसी मंदिर में पूजा करने चले गए तो सुबह से लेके रात तक वही चलता रहेगा कि कैसे मंदिर में पूजा करने गए, कैसे जल चढ़ाए और कैसे प्रणाम किए, वही बार बार चलता है, ये प्रचार का तरीका है। तो दूसरे लोग प्रचार में रहते हैं, हम लोग काम करते हैं, आपको तय करते हैं, आपको तय करना है कि प्रचार वाले के साथ रहना है कि काम करने वाले के साथ रहना है, ये आपको तय करना है। अभी नीतीश कुमार जी ने बिहार के सद्भाव को खराब करने नहीं दिया, सांप्रदायिक सद्भाव हो या सामाजिक सद्भाव हो, कभी उन्होंने बिगड़ने का काम नहीं किया। उन्होंने सत्यम कहा न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास का जो उनका लक्ष्य था, जो नारा था, आज बिहार के धरती पर उन्होंने उतार के सर जमीन पर उतार के दिखाते हैं। वो दूसरे को अपमानित नहीं करते, हम लोग भी थे 17 से 19 तक, हम लोग एक गठबंधन में थे, उस गठबंधन में थे, 2020 के चुनाव में साजिश किया उन लोगों ने अपने साथियों के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ साजिश किया,
षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके नीतीश जी की संख्या घट जाए और नीतीश जी को हम अपमानित कर सके, इसके लिए उन्होंने साजिश करने का। और 2021 में हम लोगों ने फैसला किया कि इस गठबंधन से अलग हो जाए, इसलिए कि नेता का सम्मान और नेता का स्वाभिमान के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते, हम कोई समझौता नहीं कर सकते। कोई नीतीश कुमार जी को अपमानित करेगा जैसे बिहार के गांव गांव तक विकास पहुंचाने का काम किया, उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और हम लोगों ने एनडीए से अलग हटके महागठबंधन बनाने का काम किया, महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और महागठबंधन मजबूती के साथ है। और कभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार जी जब तक हैं बिहार में कोई सामाजिक सद्भाव खराब नहीं, बिहार में किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, किसी वर्ग को कोई दबा नहीं सकता है, और विशेष करके अति पिछड़े वर्ग के लोगों, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को तो जुबान दिया, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को तो उन्होंने अधिकार दिया, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने सम्मान देने का काम, और इस सम्मान की रक्षा का, इस सम्मान को संजोग के रखना ही आपका दायित्व है, आपका दायित्व। इसलिए साथियों आज इस अवसर पर हम आपसे कुछ नहीं, हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि जो प्रचार करने वाले लोग इनसे जरा सतर्क रहिए, चुनाव आएगा, अभी चुनाव आएगा, तरह तरह का फिर भूमिका बांधेंगे, तरह तरह का प्रचार करने का काम करेंगे, उसमें फंसना नहीं है। आपके असली हितैषी और बिहार के असली हितैषी नीतीश कुमार जी हैं, जो महागठबंधन के नेता है। तो इसलिए आप सभी साथियों आग्रह है सामाजिक सद्भाव, जो प्रहलाद जी ने भी कहा आपस में कोई झगड़ा, आपस में कोई विवाद, आपस में भाईचारा बना के रखिए, सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखिए, सामाजिक सौहार्द बना के रखिए, और बिहार के विकास तक आप छोड़ो। हमने भी कहा स्कूटी इंजीनियर साहब कि पूरे चांद का सर्वे करिए और एक सड़क का निर्माण करा, और हम आपको वादा करते हैं हम उस सड़क का निर्माण ये डीपीआर बनाएंगे और एक एक सड़क का स्वीकृत। अभी यहाँ बच्चे लोग तख्ती में खड़े, हमने कहा कि जाके पूछिए क्या मांगा, क्या चाहिए, तो लोगों ने कहा कि जितेंद्र हॉल्ट से सड़क की मांग ये लोग कर रहे। हमने तुरंत एक्सिक्यूटिव इंजीनियर साहब यहाँ बैठे हैं, उनसे बुला के पूछा क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है उसमें। एक्सिक्यूटिव इंजीनियर साहब ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है सर, सिर्फ एक दिक्कत है कि उसमें कुछ रेलवे की जमीन है, रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हमने उनको कह दिया आप टीपीआर बनाइए, रेलवे को चिट्ठी लिखिए, रेलवे से एनओसी दिलाना मेरा काम है, उसको प्रयास करेंगे और उसको। इसलिए आप सभी साथियों से हम फिर से ये आग्रह करते हुए कि मजबूती के साथ आज तक आप जिस तरह नीतीश कुमार जी की ताकत रहे हैं, नीतीश कुमार जिस तरह आपके स्वाभिमान रहे हैं, उस ताकत को, उस स्वाभिमान को बचा के रखिएगा, नीतीश कुमार को मजबूत रखिए, आपका विकास और आपके विकास और आपके इसकी कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी हैं, हम सब लोग यहाँ हैं, हम भी हैं, प्रहलाद जी भी हैं, अजय जी भी हैं, हम सब लोग हैं और सब लोग आपके स्वाभिमान और आपके विकास का काम पूरा करने का काम करेंगे। और अंत में हम आपको यह वादा करते हुए कि चाणन के विकास के लिए जो भी मेरी शक्ति और मेरी क्षमता है, उस शक्ति और क्षमता को लगा के चाणन के क्षेत्र के लिए एक एक काम को पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत